नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों रेलवे संविदा भर्ती 2024 की नई वैकेंसी की नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, जिससे कि इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे संविदा भर्ती 2024 की। दोस्तों, इसकी सैलरी आपकी 25,000 रुपये रहने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। दोस्तों, बात करें पद की, यानी कि कौन से पद पर वैकेंसी आई हुई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी राज्य या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हों। दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होने वाली, ये सीधी भर्ती है, ओनली फॉर आपकी क्वालिफिकेशन के बेस के आधार पर ही आपका ओनली फॉर आपके इंटरव्यू के बेस के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और हमारे इस वीडियो को अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास साझा जरूर करें, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं रेलवे संविदा भर्ती 2024 के लिए फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन की प्रोसेस रहने वाली है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं, और दोस्तों आपका इंटरव्यू ये कब होने वाला है। इन सब के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, सबसे पहले गूगल पर जाना है और दोस्तों यहाँ पर सर्च करना है RTC.IndianRailRail.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद में ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दिया गया है एडवर्टाइजमेंट एंड टेंडर एंड वैकेंसी नोटिस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया RCTC दिल्ली के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। 9/4/2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों, आपको यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे दे रखा है रेल दावा अधिकरण दिल्ली। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है दिनांक, यानी कि 9/4/2024 को यह पब्लिश किया गया है। यहाँ पे दिया गया रेल दावा अधिकरण प्रधान पीठ दिल्ली में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पद को रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार विनिर्देशित अवधि के लिए संविदा के आधार पर अस्थायी रूप से भरने हेतु नीचे उल्लेखित तारीख समय एवं स्थान पर वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है स्थान रेल दावा अधिकरण प्रधान पीठ 13/15 माल रोड दिल्ली, ये एड्रेस दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रेजेंट होना 2/5/2024 को, यानी कि 2 मई 2024 को आपको प्रेजेंट होना है 10 बजे। 10 बजे आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे दे रखा है उम्मीदवार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आउटसोर्स के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी RCT की ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है सहायक रजिस्ट्रार के यहाँ पे साइन दिए गए हैं और दोस्तों यहाँ पे उसके मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। उसके बाद दिया गया रेल दावा अधिकरण डाटा एंट्री ऑपरेटरों को संविदा एवं आउटसोर्स हेतु नियम और शर्तें, यानी कि कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए। दोस्तों, पहला नियम है उम्मीदवार को स्नातक होने के साथ अंग्रेजी भाषा और कंप्यूटर IT का मूलभूत ज्ञान अनुप्रयोगों के लिए होना चाहिए, यानी कि दोस्तों उसे अंग्रेजी भाषा भी आनी चाहिए और दोस्तों उसे कंप्यूटर का नॉलेज भी होना अनिवार्य है। वेतन आउटसोर्स स्किल्ड स्नातक कर्मी को ₹25,000 प्रति माह वेतन भुगतान किया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर को कुल वेतन का भुगतान उसकी रेल दवा अधिकरण में वास्तविक उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा, यानी कि आपकी सैलरी ₹225,000 रहने वाली है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के सभी कार्य दिवसों पर कार्य करने का समय 8 घंटे का, यानी कि सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होगा। इसमें भोजनावकाश का समय आधे घंटे का होगा, वह भी 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक रहने वाला है। अगला नियम है, जैसा कि रेल दावा अधिकरण एक न्यायिक संगठन है, इसलिए उम्मीदवारों को स्पष्ट कराया जाता है कि किसी भी गोपनीय जानकारी का प्रसार होने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अभियोग भी चलाया जाएगा। दोस्तों, कार्य की अवधि 11 माह की होगी, जो कि एक विराम के बाद पुनः स्थापित होगी। दोस्तों, अगला नियम है, संविदा का कार्य 1 माह पहले किसी भी पक्ष द्वारा नोटिस देने पर समाप्त किया जा सकता है। इस योजना के तहत नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर को रेल दवा अधिकरण या रेलवे में नियमित नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं होगा। उम्मीदवार द्वारा की गई कार्यालय के किसी भी उपकरण या संपत्ति के नुकसान अथवा खो जाने की स्थिति में भरपाई उसके मासिक देय में से की जाएगी। उसके बाद दे रखा दोस्तों ये फॉर्म दे रखा है ऑफलाइन फॉर्म। दोस्तों, आपको यहाँ पर पासवर्ड साइज फोटो लगानी होगी। उसके बाद में यहाँ पे कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखना है,
डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पिता या पति का नाम लिखना है, पत्राचार का स्थायी पता लिखना है और स्थायी पता लिखना है। उसके बाद में दे रखा है मोबाइल नंबर लिखना है, फैक्स संख्या, ईमेल आईडी या अन्य टेलीफोन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हैं। वर्तमान व्यवसाय यानी कि अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो वो उसकी डिटेल यहाँ पे लगानी है। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता यानी कि 10th कब की है, 12th कब की है, यानी कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन की है, ये सब आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करना है और ये आपके साथ में लेके जाना, जो एड्रेस दिया गया है वहां पर आपको उपस्थित होना है। और उपस्थित होना है कब, उपस्थित होना आपको 2 मई 2024 को रेल दावा अधिकरण प्रधान पीठ 13/15 माल रोड दिल्ली में उपस्थित होना है इंटरव्यू के लिए। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी रेलवे संविदा भर्ती 2024 की A to Z संपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों ऐसी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।